हर बच्चा जो मैथ्स ओलंपियड की प्रिपरेशन कर रहा है उसके दिल और दिमाग में ना एक सवाल जरूर कभी ना कभी आता है दैट इज मैथमेटिक्स ओलंपियड प्रिपरेशन अ वेस्ट ऑफ टाइम वो चाहे बोले ना बट दिल और दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा फॉर फॉर ईच एंड एवरी टॉपर या फिर द स्टूडेंट माइट नॉट हैव क्लेयर्ड या फिर जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सगा इस द आंसर इज वेरी सिंपल इट डिपेंड्स वॉट काइंड आर यू सो इफ यू आर मगिंग काइंड अगर तुम्हें अभी भी सारा का सारा मैथमेटिक्स मगिंग से पढ़ा है एंड अगेन मगिंग से मैथमेटिक्स हो सकता है स्कूल लेवल पे स्कूल लेवल पे इट इज वेरी इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इवन इफ यू आर मगिंग टाइप एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एट अ डीपर लेवल इट इज पॉसिबल बट एंड इफ यू आर मगिंग काइंड अगेन येस द मैथमेटिक्स ओलम्पिक प्रिपरेशन वुड श्योरली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अगेन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला बट अगर मैथ्स अच्छा लगता है सो वॉट आर द हिडन बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम यू नो गेटिंग द चान्स टू रिप्रजेंट इंडिया एंड वेयरिंग ट्राई कलर ऑन य स्लीवस सो और क्या क्या हिडन बेनिफिट्स हैं मैथ्स ओलम्पिक प्रिपरेशन के लेटस स्टार्ट सो अगेन चार मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं सो वन इज अगर मैथ्स करना अच्छा लगता है देन इस यू गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स डीपली और मजा करो अगर मैथ्स करने में मजा आता है ओलंपिक प्रिपरेशन से और अच्छा मजा आएगा और मजे आएंगे सो दिस इज द बेनिफिट नंबर वन सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तो गैस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि हिडन uh, है बट बहुत कॉमन है ऐसे सवाल जिनको जिनको नॉर्मली तुम शायद बुक से या टेक्स्ट बुक से नहीं निकाल सकते वैसे सवाल तुम ओलंपिक्स के प्रिपरेशन के बाद निकाल पाओगे या वैसा सोचना आ जाएगा किस तरीके से प्रॉब्लम को अटैक करना है किस तरीके से प्रॉब्लम को सोचना है नए प्रॉब्लम को सोचना है ये 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 चीज आ जाती है सो सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से आ, आती है नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल दी सब्जेक्ट जहाँ के जहां पे भी एनालिसिस का जरूरत होता है द थर्ड इज इट इट एक्ट्स एज अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर जेई स्लैश नीट प्रिपरेशन सो बच्चे आई uh, बीन टीचिंग फॉर द लास्ट इलेवन ईयर्स नाउ एंड ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है जिस जिस बच्चे ने स्टार्टिंग लेवल पे एट्थ लेवल पे या सेवन्थ लेवल पे या नाइन्थ क्लास के लेवल पे ओलम्पियड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था उसको अल्टीमेटली जेई पे एंड नॉट ओनली जेई बट आल्सो नीट की प्रिपरेशन पे बहुत हेल्प हुआ बिकॉज जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आ जाता है सो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करता है जेई स्लैश नीट प्रिपरेशन पे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट एक्ट एज अज रेज्यूम पॉइंट इफ यू क्लियर स्टेज वन और स्टेज टू और स्टेज थ्री सो अगर तुम प्री आर एम ओ भी क्लियर करते हो तो समझो प्री आर एम ओ अगर तुम क्लियर कर लेते हो यू आर अमंग्स द टॉप फोर्टीन थाउजेंड स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया अक्रॉस फाइव क्लासेस एट नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ अगर तुम आर एम ओ क्लियर कर लेते हो पूरे इंडिया में तुम टॉप फोर्टीन हंड्रेड पोजिशन पे हो अक्रॉस फाइव क्लासेस एंड इनमो तो यार अलग या लेवल है सो इवन इफ यू क्लियर स्टेज वन प्री आर एम ओ भी क्लियर कर लेते हो इट एक्ट्स एज अज रेज्यूम ए पॉइंट एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प यू एंड एंड प्लेसमेंट एज वेल सो दीज आर द हिडन बेनिफिट्स चार हिडन बेनिफिट्स जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिए हैप्पी लर्निंग